एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि टीका लगवाने के बाद व्यक्ति को कोरोना वायरस संक्रमण हो सकता है। पीड़ित में वैश्विक महामारी के हल्के फुल्के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। हालांकि वैक्सीन मिलने के बाद उसे अस्पताल में इलाज की जरूरत की आशंका कम ही हो जाएगी। उन्होंने रविवार को हिंदी न्यूज चैनल इंडिया टीवी को बताया कि वैक्सीन लगने के बाद किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि उस व्यक्ति को इम्यूनिटी फौरन ठीक हो गई है। ऐसे में हमें मास्क लगाना, लगातार हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना होगा। ये सारी चीजें साथ साथ चलती रहेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि टीके के दो डोज के करीब दो हफ्ते बाद ही इम्यूनिटी पूरी तरह से बनेगी। डॉक्टर गुलेरिया ने समझाया कि टीका लगने के बाद लोगों को किस प्रकार का प्रोटेक्शन मिलेगा। वो बोले, मान ले मुझे टीका लग गया है, ये सुरक्षा होगी कि मुझे अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, गंभीर रूप से कोरोना नहीं होगा, मैं आईसीयू नहीं जाऊंगा। हालांकि एक्सपोज होने पर हल्का फुल्का संक्रमण हो सकता है, जुकाम नजला होगा तथा एंटीबॉडीज बनेंगी जो गंभीर कोरोना नहीं होने देंगी, पर इस दौरान मैं घर के अन्य लोगों जिन्हें टीका नहीं लगा है उनको संक्रमण दे सकता हूँ। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।